हमारे CWC मेंबर सुदीप रॉय जी हैं और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण जो हैं सबके साथ सलाह मशवरा करके ये कार्यक्रम को किस साल आएगा या सामने दिसंबर में डेट क्या कुछ डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है क्योंकि वही मैं बता रही थी क्योंकि 5 प्रदेशों में चुनाव है उसके बाद रिजल्ट्स है और उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ पर सरकार का गठन होता है तो उसके बाद तुरंत बाद ही कार्यक्रम का फाइनलाइज किया जाए मोटा मोटी कत तारीख पर आसते सेकेंड वीक के अंदर सेकेंड से थर्ड वीक के अंदर थैंक यू जैसे कि आप सबको पता है कि माँ त्रिपुरेश्वरी के पावन धरती पे श्री राहुल गांधी जी और श्री प्रियंका जी का कार्यक्रम तय हो रहा है आने वाले महीने में दिसंबर का महीना रहेगा जहाँ पे उनका आने का कार्यक्रम बन रहा है ताकि यहाँ पे हमारे जितने प्रवासी हैं उनके साथ मिलकर उनके जो परेशानियाँ हैं उसको जान सके और जैसे कि आप सबको पता है कि 5 राज्यों में अभी चुनाव चल रहा है तो सब लोग बहुत व्यस्त हैं तो इसके बाद तुरंत रिजल्ट्स के बाद डेट्स फाइनलाइज किए जाएंगे और श्री राहुल जी और प्रियंका जी का जो कार्यक्रम है उसके बारे में विस्तार में हम आप सबको बताएंगे और उनका मेन उद्देश्य है कि आके लोगों को किस तरीके से सशक्त करें किस तरीके से लोगों के साथ मिलजुल कर उनकी समस्याओं को सुन सकें सो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही श्री राहुल जी और प्रियंका जी माँ त्रिपुरेश्वरी का दर्शन करें एक साथ ही आएगा क्या नहीं अलग अलग आएंगे तो उसका कार्यक्रम फिक्स हो रहा है तो उनके ऑफिस से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हम हमारे सभापति जो है हमारे प्रदेश सभापति आशीष शाह जी हैं हमारे CWC मेंबर सुदीप रॉय जी हैं और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण जो हैं सबके साथ सलाह मशवरा करके ये कार्यक्रम को किस साल आएगा या सामने दिसंबर में डेट क्या कुछ डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है क्योंकि वही मैं बता रही थी क्योंकि 5 प्रदेशों में चुनाव है उसके बाद रिजल्ट्स है और उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ पर सरकार का गठन होता है तो उसके बाद तुरंत बाद ही कार्यक्रम का फाइनलाइज किया जाए मोटा मोटी कत तारीख पर आसते सेकेंड वीक के अंदर सेकेंड से थर्ड वीक के अंदर थैंक यू जैसे कि आप सबको पता है कि माँ त्रिपुरेश्वरी के पावन धरती पे श्री राहुल गांधी जी और श्री प्रियंका जी का कार्यक्रम तय हो रहा है आने वाले महीने में दिसंबर का महीना रहेगा जहाँ पे उनका आने का कार्यक्रम बन रहा है ताकि यहाँ पे हमारे जितने भी त्रिपुरावासी हैं उनके साथ मिलकर उनके जानियाँ हैं उसको जान सकें